वो है जो शरीर को जिंदगी के आखिरी दिन तक ताकत देता है। रहस्य जो है वो मौत तक छुपा रहना चाहता है। वैम्पायर की दुनिया में खून और रहस्य के एक ही मायने हैं। खून में कहानियों के अनुभव, मनोभाव और एक वैम्पायर के रहस्य छुपे होते हैं जब तक उसका जीवन अमर रहता है। वैम्पायर्स अपने खून को सबसे खास चीज की तरह रखते हैं। खून को गंवाना मतलब रहस्यों का खुलासा हो जाना। ये शिल्पा नाम की एक वैम्पायर के 50 साल तक पीछा करने की शुरुआत है। वो वैम्पायर को मारती है और उसका खून चखती है अपनी लापता बहन के सुराग को ढूंढने के लिए। अब वो जानती है कि जिस शहर में एक वैम्पायर के ग्रुप से बहुत कुछ जुड़ा है वो शहर है बैंकॉक। वो सीरियल किलर है जिसकी चर्चा पूरा शहर कर रहा है। तुम थक गए हो तो बैठ जाओ। वो क्रिमिनल जिसे पुलिस ढूंढ रही है वो शिल्पा है। नीचे नीचे और नीचे मोर, नीचे 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 ऐसे 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 नीचे नीचे बढ़िया। ए तुम बीच से बाहर चले गए, फिर से करो फिर से करो फिर से करो। क्या बात क्या बात, ये बहुत अच्छा। अब हाथ ऊपर करो, ऊपर ऊपर हाथ ऊपर। शिल्पा मुझे लगता है कि तुम टेंशन में हो, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे इसे सबके सामने शर्मिंदा मत करो, बुरा लगेगा इसे। मुझे शर्म नहीं आती, ये सब पसंद है। ओके सब ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। स्माइल करने की कोशिश करो, चालू हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर से क्या बात क्या बात। शुक्रिया बॉस, आप बहुत अच्छी हो, आप हम लोगों के लिए इतना कुछ करती हो। कोई बात नहीं, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। और स्माइल करो, हाँ झुक जाओ और स्माइल करो, झुक जाओ स्माइल करो, झुक जाओ स्माइल करो। गुड, बहुत अच्छा, कमाल है, क्या बात क्या बात। क्या तुमने वो किया? मैंने क्या किया? ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों बहुत करीब आ रहे हो। क्यों, ऐसा गलत है क्या? हाँ, इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो। तो तुमने कुछ किया कि नहीं? अरे चुप कर। कुछ तो किया होगा, हाथ के इशारे से बताओ। तू अपना डांस कर समझा? सुनो शिल्पा, मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हम सिर्फ कलीग्स हैं। वैसे काम का क्या हुआ? मैंने लोकेशन ढूंढ ली है। कहाँ है? तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा।
इतनी जल्दी भी क्या थी? हाँ। ये तुम क्या ले आई हो? तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे, इसे पकड़ो और शांत हो जाओ। शांत रहना मुश्किल है। नमस्ते जी। नमस्ते। इसको छोड़ने आई थी। ठीक है। तुम्हें यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं दिखा? जब तुमने वो खून चखा था तो तुम्हें एक स्कूल का नाम दिखाई दिया था, है ना? मुझे लगता है कि यही सही जगह है, लेकिन तुम्हें जो बच्चा दिखाई दिया था, मुझे ये नहीं पता कि वो वैम्पायर है या फिर इंसान है, जैसा कि सोफिया थी। नमस्ते। क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? किया है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। वो वैम्पायर कैसे हो सकता है? वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो बच्चों, चलिए अब टाइम हो गया, सब क्लास में चलें। चलिए सब उठ जाइए। चलो बेटा आप भी चलो। ओके प्लीज। अब मुझे इसको लेके जाना होगा। मैं उस बच्चे को सच में मारना है? कितना सोचते हो तुम? देखने में तो ये बच्चा ही लग रहा है मुझे, तो बच्चा ही होगा ना? मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूं, क्या तुम बच्चे दिखते हो? अब ये बताओ, तुम्हारी असली उम्र क्या है? इंसान वाली 27 और वैम्पायर वाली 46, दोनों मिलाकर 73। ये भी ऐसा ही है, ये दिखता जरूर बच्चों जैसा है लेकिन अंदर से कुछ और है। सिर्फ बड़े लोग ही ऐसी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो। चलो बच्चों अपनी बुक्स खोलो, मेरे साथ बोलो एप्पल। एप्पल मतलब एप्पल। एप्पल। देखो मुझे लगता है कि अगर ये सच में एक वैम्पायर है तो ये सारे बच्चों से ज्यादा होशियार होगा, तो एक्स्ट्रा क्लास क्यों कर रहा है? यस सर। एप्पल। ठीक है, लगता है कि ये नॉर्मल बच्चा होने की एक्टिंग कर रहा है। एप्पल। एप्पल। लेकिन किस लिए? वो अपडेट हो रहा है। अपडेट? सोचो कि अगर तुम बच्चे हो तो बच्चों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, खाना सोना और बच्चों जैसा खेलना। एक मॉडर्न बच्चा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये तुम सोच सकते हो। रोज ऐसा करना मुश्किल होता होगा। हमें इसे ठीक करना होगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो, लेकिन चिंता मत करो, वो वैसे भी मरने वाला है और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देती हो। मारना मारना और सिर्फ मारना, इसके अलावा भी बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। हाँ
हम उसे यहीं मारेंगे। अगर कभी मारने के अलावा कुछ बोल पाओ तो अच्छा रहेगा। सैलरी कट करवा दूंगा। हेलो हेलो, क्या मैं खेल सकता हूं? चलो जाओ यहां से। बताओ ना कैसे खेलते हैं। कहाँ ना जाओ, ए, सिखाओ ना मुझे। मैंने कहा नहीं। अच्छा सुनो बच्चों, अभी यहाँ से जाओ। अभी नहीं, इसने मुझे परेशान किया है। पूछो इससे। तुम यहाँ पर नए हो क्या? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने साल वैम्पायर जीता है उतना ताकतवर बनता है, और ये बहुत संभल कर जी रहा है। नाशिक वाहे नाशिक।